अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर मिस महनूर। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। आज के इस लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। सब्ट्रैक्ट हमने करके चेक करना है क्या वो वैल्यू सेम एज इट इज आती है जो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको एक वैल्यू दी जाएगी, आपने उन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। जो आपके पास आंसर आएगा, आपने उस आंसर में जिस वैल्यू में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो आंसर ऐड करेंगे। एडिशन के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो वैल्यू आपकी फर्स्ट वैल्यू की जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो उसके मुताबिक होगी। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है पेज नंबर 55 से। पेज नंबर 55 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे कंप्लीट देन चेक। हमने इसको कंप्लीट करना है और चेक करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं ई एस जी एच। हमने फर्स्ट किया था ए बी सी डी, नेक्स्ट आज हम करेंगे ई एफ एंड जी एच। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5427 माइनस 2809। क्या करना है, 5427 को सब्ट्रैक्ट करना है 2809 में से। किस तरह से करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करते हैं यानी राइट साइड से हमने सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। राइट पे फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 7 माइनस 9, 7 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे 17, 17 माइनस 9 8, 17 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 8। देन आपके पास क्या वैल्यू बची थी नेक्स्ट पे, 1, 1 माइनस 0। जब हम 1 में से किसी चीज़ को माइनस करते हैं या किसी वैल्यू में से 0 को माइनस करते हैं, जो हम माइनस कर रहे होते हैं वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। जिस तरह से हम ऐड कर रहे होते हैं ज़ीरो में, ज़ीरो में हम कुछ ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो वो वैल्यू हमारी एज इट इज़ आ जाती है। इवन जब हम ज़ीरो में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नहीं होती है, हमें नेक्स्ट वैल्यू से कैरी लेना पड़ता है, देन उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 8 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे 14, 14 माइनस 8 6, नेक्स्ट आपके पास क्या बचा था 4, 4 माइनस 2 2, आपके पास आंसर क्या आया इसका 2618। अब आपने नेक्स्ट ब्लॉक में जाके 2618 लिखना है और सब प्लस करना है 2809 में से, 09 में कैसे हम क्या करना है, आपने 2618 ऐड करना है 2809। क्या करेंगे, जो आपके पास सब्ट्रैक्शन की टू वैल्यू दी गई हैं उसमें से जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो ऐड करेंगे। जो आपके पास आंसर आएगा उस ऐड करने के बाद जब आपके पास आंसर आएगा वो आपकी सब्ट्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू होगी तो वो आपकी करेक्ट है आंसर। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपने अपना क्वेश्चन दोबारा चेक करना है, सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक है देन आपने अपना क्वेश्चन सही सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ऐड करते हैं 8 प्लस 9 17, 17 का 7 हम नीचे लिखेंगे, 1 नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी दे देंगे। आपके पास जब टू डिजिट्स वैल्यू आती हैं आंसर में तो आपने राइट साइड वाली वैल्यू को नीचे लिखना है एंड लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी दे देना है। 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 8 14, 4 नीचे 1 ऊपर, 2 प्लस 2 4 एंड 1 5। आपके पास आंसर क्या आया है 5427। आपने चेक करना है, देखना है कि आपके पास जो सब्ट्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू थी क्या वो वैल्यू सेम है हमारे आंसर से, मैच होती है। जी हमारा आंसर करेक्ट है, हमारी वैल्यू सेम है, हमने चेक किया हमारी वैल्यू सेम है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं 3962 माइनस 1784। क्या करेंगे, 12 में 12 है 2 माइनस 4, 2 में से 4 माइनस नहीं होता, 1 नेक्स्ट से कैरी लेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 12, 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 8, 5 में से 8 माइनस नहीं होता, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे 15 माइनस 8 7, 8 माइनस 7 1, 3 माइनस 1 2,
आपके पास आंसर क्या आया है? 2178। 2178 में ऐड करना है आपने 1784 को। राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 नीचे 1 ऊपर कैरी, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 8 16, 16 का 6 नीचे 1 ऊपर कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3, आपका आंसर क्या आता है? 3962। नेक्स्ट है आपके पास 4592 माइनस 1704। 4592 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1704 में से। सब्ट्रैक्ट करना है आपने राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 माइनस 4, 2 में से 4 माइनस नहीं होता, 1 कैरी लेंगे नेक्स्ट से, हमारा जो 1s है वो 10s में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 0 8, 5 में से 7 माइनस करें, 5 में से 7 माइनस नहीं होते, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे, 15 माइनस 7 8, 3 माइनस 1 2, आपके पास आंसर क्या आता है? 2888 में आपने ऐड करना है 1704, 8 प्लस 4 12, 2 नीचे 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 0 9। जब हम जीरो में कोई चीज़ ऐड करते हैं, जो चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, कोई चीज़ वैल्यू, जो वैल्यू है हम ऐड कर रहे होते हैं, वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है। 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 7 15, 15 का 5 नीचे लिखेंगे, नेक्स्ट पे 1 कैरी दे देंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, आपका आंसर क्या है? 4592। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, या इस लेक्चर को लेके कोई सवाल है, तो आप ज़रूर पूछें, आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। और स्टूडेंट, इस लेक्चर के हवाले से आपको एक क्विज भी आएगा, उस क्विज को आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपने लेक्चर नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले इस लेक्चर को सुनें, इसको समझें, और फिर उस क्विज को सॉल्व करें। उस क्विज की टाइमिंग नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे की है, वो क्विज आपको अगले दिन सुबह 9 बजे आएगा, आपने उस क्विज को अच्छे से देखना है और सॉल्व करना है। थैंक यू।